नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आया हूँ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, आगे आते ही आपको लेफ्ट साइड पे टिकट काउंटर मिलता है और राइट साइड पे आपको पार्किंग एरिया मिलता है। अडल्ट के लिए 75 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 50 रुपीज़ टिकट प्राइस है वीकेंड्स पे। और वीकडेज में आप जाते हैं तो अडल्ट के लिए 60 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 40 रुपीज़ टिकट प्राइस लगता है। एंट्री होते ही लेफ्ट साइड को आपको फिश वर्ल्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे जाने के लिए आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस लगता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फिशेस देखने को मिलते हैं। चलिए अंदर जाके देखते हैं। फिश वर्ल्ड देखने के बाद हमें आगे टॉर्टोइस देखने को मिले हैं। यहाँ पे दो टॉर्टोइस है, 123 ईयर्स ओल्ड और एक 98 ईयर्स ओल्ड का है। यहाँ से हम अंदर प्राइमेट पार्क में जा रहे हैं। यह है लॉयन टेल्ड मकाकी, ऊपर बैठा है जो कि। अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे कैट देखने को मिलते हैं। फिशिंग कैट है ये, लियोपॉड कैट आराम से अंदर सो रहे हैं। जंगल कैट भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ऐसे राइड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन राइड भी होती है लेकिन हमने नहीं किया है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि बहुत सारे एनिमल्स को देखने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, काम चालू था अंदर इसलिए हमने नहीं किया है। हम जाएंगे बटरफ्लाई पार्क में, अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बटरफ्लाई देखने को मिलते हैं। यह है बंगाल व्हाइट टाइगर। यहाँ पे टोटल 15 व्हाइट टाइगर्स हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट हुआ है। अंदर यहाँ पे आपको हनुमान मंदिर देखने को मिलता है। ये देखिए गोल्डन जैकल। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स आपको अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए लायन ऊपर बैठा है। हम जब आए थे ये दो शेर बहुत झगड़ा कर ले रहे थे। ये है हिप्पोपोटामस। Thank you.
आपको अंदर आने के बाद बहुत जगह पे कैफेटेरिया मिलता है, यहाँ पे यूपीआई नहीं चलेगा, कैश ही देना होगा आपको, ये लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। ये देख सकते हैं स्पॉटेड डियर यहाँ पे हैं। सबसे बड़े एनिमल्स दो जिराफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एक जो है 19 ईयर्स ओल्ड का है, एक 7 ईयर ओल्ड का है। आगे आने के बाद फॉसिल पार्क देखने को मिलता है, यहाँ पे जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, बहुत पुराने फॉसिल्स यहाँ पे रखे वाले हैं। फॉसिल पार्क देखने के बाद हम आए हैं क्रोकोडाइल देखने, बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए हमें ज़्यादा क्रोकोडाइल देखने को नहीं मिले हैं, ज़्यादा तो क्रोकोडाइल पानी में ही थे। चलिए दोस्तों, पार्क क्लोज होने का टाइम हुआ है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।